चिली पोटैटो की इतनी बेहतरीन रेसिपी लेके आई हूँ कि जिसे देख के आपको बिल्कुल लालच आ जाएगा। इतनी स्पाइसी और बिल्कुल ग्रेवी वाली चिली पोटैटो आपको ज़रूर बनानी चाहिए अपने घर में, और बहुत ही सिंपल तरीके से और घर में बिल्कुल हेल्दी वर्जन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल में हमें बहुत ही सिंपल सिंपल लगेंगे, थोड़े से प्याज, उसके बाद थोड़े से कैप्सिकम, थोड़े से कोरिएंडर, फिर उसके बाद थोड़ी सी चिल्ली, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो है इसमें आलू। और आलू का आपको साइज़ मैं बता देती हूँ, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा, मीडियम साइज़ के आलू आपको लेने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आलू को मैंने पहले धो दिया है छिलके, अभी ये नए वाले आलू आ रहे हैं तो मैं इसी से बनाई हूँ। यहाँ पे आपको मैं काटने का तरीका बताऊँगी। सबसे पहले चिली पोटैटो का शेप देने के लिए आपको सबसे पहले इसका टॉप और बॉटम ये दोनों ही साइड्स को कट किया जाता है, उसके बाद इसके दोनों साइड्स एड्स को भी हटा दिया जाता है, बिल्कुल इसे स्ट्रेट फॉर्म में कर दिया जाता है। मैं आपको एक कट करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं फटाफट काटूंगी। यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल स्लाइड देने हैं, और थोड़े से इसके जो शेप्स होते हैं ना वो थोड़े से मोटे टाइप के होते हैं, तो मतलब बहुत टेस्टी लगता है खाने में भी। और जो मतलब स्ट्रीट पे जो लोग सेल करते हैं वो भी बिल्कुल इस तरीके का ही बनाते हैं, तो मतलब घर में बना रहे हैं तो लगना चाहिए ना कि नहीं स्ट्रीट वाला ही खा रहे हैं, तो बिल्कुल उस तरीके से ही हम बनाएंगे और उस तरीके से ही इसका शेप देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। आपको सारे ही आलू को बिल्कुल इस तरीके का ही शेप देना है। मैं आपको एक और कट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके को आपको काटना है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको चारों ओरी से हटा लेना है, उसके बाद थोड़े से मोटे मोटे साइज़ के आपको लेयर्स काटने हैं, और उसके बाद सीधे स्ट्रेट कट कर देना है। बहुत ही सिंपल है गाइज़, आपको ज़रूर बनाना चाहिए। और हाँ गाइज, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देख सकते हैं कि आलू को अच्छे तरीके से धो के मैंने 5 मिनट के लिए इसे डीप फ्रीज में रखा था। इससे क्या होता है कि जब आप कॉर्नफ्लावर डाल के इसमें कोटिंग करते हो तो इसकी कोटिंग बहुत अच्छी होती है, और ये जो कॉर्नफ्लावर को पकड़ पाता है। तो सबसे पहले हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाले हैं, उसके बाद इसमें थोड़े से फूड कलर को पानी में ऐसे घोला करके उसके बाद ही डालें, उसके बाद थोड़ा सा मतलब सॉल्ट डालना है आपको स्वाद के अनुसार, उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिला देना है। बिल्कुल इस तरीके से बहुत ईजिली मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत टेस्टी बनेगा गाइज, आपको इस तरीके से एक बारी ज़रूर बनाना चाहिए। देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से कोट हो गया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है, और उसके बाद इसके जितने भी मैंने आलू काटे थे वो सारे इसमें डाल दूंगी और एक ही बार में हम फ्राई कर देंगे। वैसे तो ये चिली पोटैटो चाइनीज़ डिश है, बट हम इंडियन वाले भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सो हम घर में इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी होती है जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, और मेरी रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मतलब मेरा सारा ही रेसिपी आपको बहुत ही सिंपल में देने की कोशिश करती हूँ कि ताकि जो फैक्ट है वही आप तक पहुँचे, ये नहीं कि मैं ये वो बता दूँ और आपसे ना बने। नहीं, जो ऐसे मतलब मैं बनाती हूँ उस तरीके से ही मैं आपको शेयर करती हूँ कि ताकि आपसे भी ये बन सके। सो वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही हो अब तक तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और हमारी अच्छी अच्छी रेसिपी को पूरा वॉच करें। यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो अच्छे तरीके से फ्राइज़ हो रही है, और यहाँ पे इसे अंटिल गोल्डन ब्राउन हमें करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कलर धीरे धीरे आ रहा है, उसके बाद हम इसे फटाफट निकाल लेंगे। अब इसकी ग्रेवी लगाने के लिए हमें एक पैन फिर से चढ़ाना है। पैन चढ़ाने के बाद सबसे पहले हम उसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग रिफाइंड ऑयल डालेंगे, उसके बाद जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जाएगा उसमें है लहसुन और हरी मिर्च, उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा सा सॉटे हो जाए उसके बाद हम प्याज और शिमला को डाल देंगे। इस तरीके से बिल्कुल आप डालें, और बहुत ही सिंपल रेसिपी और सिंपल वेजेस से ये बन भी जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे ही सब्जियां फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें सबसे पहले हम इसमें सॉस डालेंगे, जो टोमेटो वाली सॉस आती है वो, उसे डाल के अच्छे तरीके से मिला देंगे। उसके बाद तुरंत से हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में आपको बहुत ही सिंपल मसाले डालने हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्चा पाउडर, मतलब एक पिंच के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं,
और हाँ गाइस, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक पिंच करके मैंने हल्दी और मिर्चा पाउडर को डाल दिया है, और इस तरीके से आपको मिला देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस डाल के आपको अच्छे तरीके से इसे मिला देना है। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अब हम इसमें सीधे पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मसाले जले ना, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आप बनाएं इसे। यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सॉटे हो चुका है सब्जी। उसके बाद अब हम इस पर पानी डालेंगे। पानी आपको हाफ़ ग्लास के अकॉर्डिंग ही डालना है। यहाँ पर देख सकते हैं, पानी डाल के आपको अच्छे तरीके से चला देना है। उसके बाद इसमें हम एक घोला बनाएंगे जो कॉर्नफ्लोर और पानी का बनता है, जिससे इसे ठीक किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसमें कॉर्नफ्लावर वाला पानी डाले हैं, उसके बाद इसका कलर और इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है। और इस पोजीशन पे अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आपको पहले बिल्कुल नहीं ऐड करना है। नमक आपको जब पानी दे देंगे, मतलब जब बिल्कुल 90% हो चुका होगा, उसके बाद ही आपको नमक डालना है। नमक यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, नमक डालने के बाद आपको एक बार अच्छे से चला देना है। उसके बाद जितने भी फ्राइज हमने फ्राई किए थे वो इसमें डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। फ्राइज डालने के बाद आपको अच्छे तरीके से मिला देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये स्पाइसी और लजीज लग रहा है। बिल्कुल होटल स्टाइल रेडी हो गया ना घर पे। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को अपने घर में बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा अपने फैमिली के साथ। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। सो यहाँ पे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा बना है। अब इसमें ऐड द लास्ट हम ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा लगा, आपको ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।